टॉस होता हुआ रितिका प्रॉपर्टीज वर्सेस और बुड्ढी ग्राम पंचायत के काका बीच। टॉस जीता ग्राम पंचायत बुड्ढी ने बैटिंग हमारी और रितिका प्रॉपर्टीज को बैटिंग करने का मौका दिया। मैच स्टार्ट होता हुआ रितिका प्रॉपर्टीज वर्सेस बुड्ढी ग्राम पंचायत बुड्ढी के बीच। दोनों ही टीमें काफी अच्छी टीम, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। बैटिंग पर अंकित, बॉल लेके जुनैद और ये पहली गेंद लेफ्ट की अंकित ने नॉन स्ट्राइक एंड पे हिमांशु आई। दोनों ही टीम में मैक्सिमम प्लेयर यूपी के खेल रहे हैं, रुड़की मेरठ और मुरादाबाद के। दूसरी गेंद इस मैच की, वो अच्छा स्लोअर मारा था, कोई बैटर बॉल का संपर्क नहीं खास नहीं हुआ, डॉट बॉल कीपर के हाथों में। 15 ओवर का ये मैच, 4 ओवर का पावर प्ले बिना जली हुई बॉल से गेंद, बहुत अच्छा शॉट भाई, तीसरी बॉल पे तगड़ा छक्का भाई, अंकित के बल्ले से निकलता हुआ तगड़ा शॉट भाई, लेग साइड का पहला छक्का, 6 रन से खाता खुलता हुआ इस मैच का। अगली बॉल बहुत तेज बॉल आउट होने से बचे, विकेट पर बॉल लगने से बची, डॉट बॉल। मोहित बॉलिंग करते हुए 4 गेंदों पर केवल एक छक्का खर्च किया है, फिर से मारना चाहते थे लेग साइड में, कोई संपर्क नहीं बैटर बॉल का, अच्छा स्नीक लगे बट कैरी नहीं करेगी पर तक। अगली बॉल बहुत अच्छी बॉल, डिफेंस किया, रन आउट का मौका पर आसानी से रन चुरा लिया, 1 रन, 1 ओवर 7 रन। अगला बॉल जुनैद अपने ओवर की पहली बॉल लेके, बहुत अच्छा शॉट और कैच ड्रॉप कर दिया यहाँ पर फील्डर ने, पावर प्ले में लॉन्ग ऑफ के अंदर जो फील्डर लगा था उसने कैच ड्रॉप कर दिया, बड़ा झटका हो सकता था अंकित के रूप में। अगली बॉल बहुत अच्छा कट किया बट कोई रन नहीं, 4 ओवर का पावर प्ले। अगली बॉल जुनैद की और ये फील्डर के ऊपर से जाती हुई बॉल, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, रन मिलेंगे 2। अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट और फिर से कैच ड्रॉप हुआ, कैच ड्रॉप हुआ, देखना होगा कितने रन मिलते हैं, 2 रन मिलेंगे इस बॉल पे। अंकित के 2 कैच ड्रॉप हो चुके हैं 9 बॉलों में अभी तक। अगली बॉल बहुत अच्छी बॉल नहीं, अच्छा डिफेंस यहाँ पर अंकित का, कोई रन नहीं। अगली बॉल माना चाहते थे लेग साइड में बचे, प्रयास था चुके इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन, 2 ओवर 11 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। और तीसरा ओवर लेके राजा आशिक नाम है, बैटिंग पे हिमांशु भाई, राजा फ्रॉम मुरादाबाद, बहुत अच्छी शॉट और मिस फील्ड हुआ और रन मिलेंगे 4। काफी खराब फील्डिंग यहाँ पर बुड्ढी ग्राम पंचायत के प्लेयर्स की। अगली बॉल राजा, बहुत तेज बॉल और मिस फील्ड हुई वहां कीपर से, देखना होगा, रन मिलेंगे 2। अगली बॉल और ये हवा में गेंद, लेकिन कोई फील्डर बॉल के नीचे नहीं पहुंच पाया, दूर रह गई, रन मिलेगा केवल 1। अगली बॉल, अगली गेंद एक बार फिर, बहुत तगड़ा शॉट भाई, सीधे 4 रनों के लिए, अंकित के बल्ले से निकलता हुआ चौका, तगड़ी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं अंकित। अगली बॉल और कैच आउट हो गए यहाँ पर, माना चाहते थे पावर प्ले के ऊपर से और पहली सफलता मिलती है यहाँ पर ग्राम पंचायत बुड्ढी को, अंकित का बड़ा विकेट और बुड्ढी ग्राम पंचायत में सारे प्लेयर मुरादाबाद साइड के खेल रहे हैं, यूपी के मैक्सिमम प्लेयर दोनों ही टीमों में। बैटिंग करने आए गौरव, अगली बॉल लेके राजा, बहुत अच्छा शॉट ऑफ साइड में, रन मिलेगा केवल 1, आसानी से सिंगल चुरा लिया, ओवर की समाप्ति। अगली बॉल चौथा ओवर लेके जुनून, 3 ओवर में 23 रन हो रहे हैं, अच्छा डिफेंस यहां पर गौरव का, डॉट बॉल। अगली बॉल
फिर से बहुत अच्छा डिफेंस, खेल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, सामना करेंगे गौरव। अगली बॉल बहुत तेज बॉल, खेल दिया उसे एक रन के लिए, एक रन और मिस्टेक, लेकिन केवल एक रन मिलेगा नहीं ले पाए। और अब बैटिंग पे हिमांशु चौधरी, देखते हैं क्या कर पाते हैं। वो अच्छा डिफेंस और मिसफील्ड हुई यहाँ पर फील्डर से, अभी तक काफी खराब फील्डिंग नजर आई है ग्राम पंचायत गुड्डी के सारे प्लेयर्स की। फिर से बैटिंग पे गौरव, बहुत अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई बॉल, रन मिलेंगे केवल एक। अगली बॉल बैटिंग पे हिमांशु भाई, बहुत अच्छा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव देखना होगा, केवल एक रन, अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑन के फील्डर द्वारा, अच्छा मैच चलता हुआ अभी तक। 27 रन स्कोर, बॉलिंग करना है मनिंदर, बहुत अच्छी बॉल, यॉर्क लाइन की बॉल, फील्डर बॉल के नीचे, रन मिलेगा केवल एक। बैटिंग पे गौरव, बहुत अच्छा सिंगल चुराने की कोशिश, डबल लेने का मौका, बट उतनी अच्छी फील्डिंग, मिस फील्ड हुए यहाँ पर, गिर गए यहाँ पर फील्डर, दो रन आसानी से मिल गए, केवल दो रन मिलेंगे। अगली बॉल फिर से सिंगल चुरा लिया फील्डर बॉल के नीचे, केवल एक रन मिलेगा, एक रन आसानी के साथ पूरा। अगली बॉल मनिंदर की, बहुत लंबा, बहुत तगड़ा छक्का भाई, कम से कम 100 मीटर का छक्का होगा ये, हिमांशु भाई के बल्ले से निकलता हुआ गगनचुंबी छक्का। अगली बॉल, बहुत अच्छा डिफेंस, उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर बॉलर की। अगली बॉल और हवा में गेंद, देखना होगा फील्डर बॉल के नीचे, और ये आउट, बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया वहां पर फील्डर ने लेग साइड के, बाउंड्री के बिल्कुल करीब, और दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर रितिका प्रॉपर्टीज को। और अगला ओवर लेके राजा, अपना कोटे का दूसरा ओवर लेके, कप्तान भी है अपनी टीम के, और बैटिंग पाए पीयूष भाई, बहुत तगड़े लेफ्टी बल्लेबाज, देखते हैं क्या कर पाते हैं आज। और मार दिया लेग साइड में फील्डर बॉल के नीचे, केवल एक रन मिलेगा। अगली बॉल राजा की, बैटिंग पे गौरव, बहुत अच्छा डिफेंस, फील्डर की अच्छी फील्डिंग। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट, कट कर, देखना होगा कितने रन मिलते इस बॉल पे, और दो रन लेने की कोशिश, रन आउट का मौका, और दो रन चुरा लिए इजीली, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और गाइस अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लेयर्स का गेम अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड को लाइक करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे वीडियो में, और सपोर्ट करें हमें साथ ही। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट, कट कर दिया, देखना होगा कितने रन मिलते हैं, जाती है बाउंड्री की तरफ, और ये चार रन, थर्ड मैन का चौका मिलता हुआ गौरव को। अगली बॉल राजा की, और ये वाइड बॉल, अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट ऑफ साइड में, फिल्टर बॉल के नीचे है, रन मिलेगा केवल एक। अगली बॉल, बहुत अच्छा डिफेंस, और रन चुरा लिया एक, सूझबूझ बड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर पीयूष भाई और गौरव। ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 47 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। अगला ओवर लेके मनिंदर, बहुत अच्छा डिफेंस पीयूष भाई का, धीरे धीरे बॉल रमा होती भी, छक्के बहुत जल्दी नजर आएंगे अब रितिका प्रॉपर्टीज की तरफ से। अगली बॉल, माना जाते थे पीयूष भाई लेग साइड में, फील्डर बॉल के नीचे, रन मिलेगा केवल एक। मनिंदर अगली बॉल लेकर, बैटिंग पे गौरव, बहुत अच्छा सिंगल चुरा लिया, एक रन मिलेगा केवल। अगली बॉल मनिंदर, बैटिंग पे पीयूष भाई,
और ये वाइड करार नहीं दिया। अच्छी बॉल कटर मारा था मनिंदर ने, डॉट बॉल। अगली बॉल और ये अपील थोड़ी सी आई थी और ये डिसीजन पेंडिंग अभी तक, और आउट हुए यहाँ पर पीयूष भाई, स्निक लगा था अगले बैट्समैन। बहुत अच्छी शॉट लेग साइड में और बहुत तगड़ी फील्डिंग भाई, बहुत तगड़ी फील्डिंग, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और इसके साथ ओवर की समाप्ति। और जुनैद आए हैं अगला ओवर लेके और बैटिंग पे प्रधान फ्रॉम हरिद्वार, तगड़े बल्लेबाज है, अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं। और बहुत अच्छा रिवर्स का शॉट, फील्डर बॉल के नीचे जाते हुए देखना होगा कितने रन मिलते इस बॉल पे, और रन मिलेंगे 4। तगड़ी शॉट यहाँ पर प्रधान के बल्ले से निकलती हुई, आते ही सार अपने हाथ खोलते हुए। अगली बॉल लेके फिर से जुनैद सामना करेंगे प्रधान, थोड़ा सा फील्डिंग में अगली बॉल। बहुत तगड़ा शॉट भाई, तगड़ा छक्का स्ट्रेट का, बहुत तगड़ी बैटिंग करते हुए यहाँ पर प्रधान, तगड़ा बल्लेबाज भाई। अगर आप सब लोग को इनकी चौका और छक्का पसंद आया हो तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें आगे आगे नई नई वीडियोस, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आप लोगों के बीच में होंगे। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट फिर से और रुक गया है, वरना ये भी चौका हो रहा था। खराब किस्मत कहूंगा प्रधान की और रितिका प्रॉपर्टीज की, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर प्रधान। अगली बॉल फेस करेंगे गौरव, गेम को चलाते हुए। बहुत अच्छा शॉट ऑफ साइड का, फिल्टर बॉल के नीचे है, रन मिलेगा केवल 1। अगली बॉल जुनैद की मुरादाबाद के, और फिर से रिवर्स स्वीप पर फील्डर के हाथों में जाती हुई बॉल, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अगली बॉल, बहुत तगड़ा शॉट भाई, सीधे 6 रनों के लिए, तगड़ी बल्लेबाजी करता हुआ यहाँ पर प्रधान, अपना दमखम दिखाता हुआ मलान ग्राउंड में। अगला ओवर लेकर आदित्य उर्फ आदि, बैटिंग पे गौरव, बहुत अच्छा डिफेंस करके सिंगल चुरा लिया फिर से, 1 रन मिलेगा केवल। अगली बॉल आदि की बैटिंग करेंगे प्रधान, काफी अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा अच्छा फील्ड बॉलर का। अगली बॉल, अगली गेंद, और मार दिया लेग साइड में, देखना होगा फील्डर बॉल के नीचे, बैट बॉल थी, क्लियर नहीं कर पाए इसे। अगली बॉल, बहुत अच्छा डिफेंस, कोई रन नहीं और रन आउट का मौका था बट वापस गए प्रधान क्रीज में। अगली बॉल, बहुत तगड़ा यॉर्कर भाई, तगड़ी बॉल, और अब हाथ खोलने होंगे गौरव को भी यहाँ से, आधा गेम खत्म हो चुका है फर्स्ट इनिंग का। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट और मिस फील्ड, और मिलेंगे पूरे 4 रन, कवर्स के फील्डर ने मिस फील्ड की 30 yards में, और ओवर समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति पे 74 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, बैटिंग करते हुए प्रधान, बॉलिंग एंड पे जुनैद, बहुत अच्छा शॉट, बहुत तेज शॉट, देखना होगा, बहुत तगड़ी फील्डिंग भाई फील्डर की, रन मिलेगा केवल 1, 4 रन हो सकते थे। अब धीरे धीरे अच्छी फील्डिंग करती हुई बुड्डी ग्राम पंचायत की टीम। अगली बॉल जुनैद की, सामना करेंगे गौरव, और बोल्ड कर दिया यहाँ पर, तगड़ी गेंद और झटका लगता हुआ यहाँ पर रितिका प्रॉपर्टीज को, अच्छी गेंदबाजी करते हुए जुनैद, और अब बैटिंग करना है मोंटोर प्रचंडा फ्रॉम रुड़की, देखते हैं क्या कर पाते हैं। माना चाहते थे लेग स्ट्रेट में, रन मिलेगा केवल 1, और अब बैटिंग पे प्रधान, जो कि अभी तक काफी अच्छे अच्छे हिट लगा चुके हैं, दोनों ही बैट्समैन क्रीज पर आक्रामक, बड़े बड़े हिट मारने के लिए जाने जाते हैं। बहुत अच्छी बॉल और उतना अच्छा शॉट, केवल रन मिलेंगे, और 2 रन चुराने की कोशिश और आसानी से चुरा लिए, खराब फील्डिंग वहां पर राजा की।
अगली बॉल जुनैद की बैटिंग में प्रधान फिर से मारना चाहते थे लेग साइड में बट डॉट बॉल और इसी के साथ पैर की नो बॉल और फ्री हिट। एक बार फिर से हाथ खोलने का मौका प्रधान के पास अगली बॉल फ्री हिट जुनैद वर्सेस प्रधान बहुत अच्छा शॉट और रन मिलेंगे पूरे 6 कवर्स का छक्का लगाते हुए यहां पर प्रधान तगड़ी बैटिंग करता हुआ भाई बल्लेबाज अगली गेम फिर से मारना चाहते थे लेग साइड में कोई रन नहीं डॉट बॉल और 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 85 रन लॉस ऑफ 4 विकेट बैटिंग पे मोंटो कम से कम यहाँ से 5 ओवर में 50-60 रन बनाने होंगे रितिका प्रॉपर्टीज को आदि अगला ओवर लेंगे बहुत अच्छा शॉट मारना चाहते थे कवर्स पे पर कनेक्ट नहीं हुई सही से रन मिलेगा केवल 1 और अभी इसके बाद गुलशन फ्रॉम सहारनपुर का आना भी बाकी लंबे लंबे हिट मारने के लिए जाने जाते हैं मुबारक जैसे बैट्समैन बहुत अच्छा शॉट लेग साइड में और रन मिलेंगे पूरे 4 तगड़ी शॉट प्रधान की एक और चौका निकलता हुआ उनके बल्ले से दमखम दिखाते हुए अपना इस मैच में इतना आसान नहीं होता इस ग्राउंड में रन बनाना काफ़ी बड़ा ग्राउंड है 60-65 मीटर की बाउंड्री अगली बॉल और ये रन आउट नहीं है और अगली बॉल पर चंडा रन आउट नहीं थे बहुत तेज बॉल डॉट बॉल अच्छी गेंद एक बार फिर अगली बॉल माना चाहते लेग साइड में बट फील्डर मौजूद कोई रन नहीं अगली बॉल और रन मिलेगा केवल 1 अच्छी बिल्डिंग फील्डर की आसानी के साथ पूरा मोंटो को जीवनदान मिलता हुआ 11 ओवर 91 रन माना चाहते थे प्रधान और वाइड नहीं स्टंप के ऊपर से गई ये गेंद प्रधान का बल्ला काफी देर से खामोश अब अगली बॉल फिर से मारना चाहते थे बट डॉट बॉल अगली बॉल और हवा में गेंद और रुक गया ये शॉट भी बहुत छक्का जा रहा था ये पेड़ से रुक गया रन मिलेगा केवल 1 अगली बॉल और ये हवा में गेंद और ये 6 रन परचंडे के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का कनेक्ट नहीं हुई थी सही से फिर भी छक्का निकल गया अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट फील्डर बॉल के नीचे और ये आउट एक और झटका लगता हुआ और मोंटो आउट होने के बाद बैटिंग करने आते हुए गुलशन भाई काफी अच्छे बल्लेबाज है सहारनपुर के बहुत अच्छी बॉल उतना अच्छा शॉट रन मिलेगा केवल 1 रन आसानी के साथ पूरा 12 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 99 रन 3 ओवर में देखते हैं कितने ज्यादा रन बना पाती है रितिका प्रॉपर्टीज की टीम बैटिंग पे गुलशन और नॉन स्ट्राइक पर प्रधान 3 ओवर में कम से कम 40 रन बनाने होंगे यहाँ पर तगड़ी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं गुलशन भाई बहुत अच्छा शॉट और रन आउट का मौका था मिसफील्ड रन मिलेगा केवल 1 अगली बॉल फेस करेंगे प्रधान 100 रन पूरे होते हुए रितिका प्रॉपर्टीज के बहुत अच्छा शॉट फील्डर बॉल के नीचे आते हुए 1 रन मिलेगा केवल अच्छी बॉलिंग होती भी अब ग्राम पंचायत बुड्ढी की अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट और 4 रन काफी तेज शॉट था कोई मौका नहीं लगा उनके मिडफील्डर को और पहला चौका निकलता हुआ गुलशन भाई के बल्ले से अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट कवर्स का देखते हैं फील्डर और खराब फील्डिंग फिर भी चौका बचाया रन मिलेगा केवल 1 प्रधान 1 ही रन लेना चाहते थे गुलशन भाई 2 रन के मूड में थे अगली बॉल फेस करेंगे प्रधान और हवा में गेंद पर कोई फील्डर बॉल के नीचे नहीं 1 ही रन मिलेगा केवल अगली बॉल लास्ट बॉल इस ओवर की
और यह हवा में बहुत तगड़ा छक्का भाई गुलशन भाई के बल्ले से। अभी तक बॉल नहीं गिरी है और अब जाके बॉल गिरती हुई कम से कम 110 मीटर का ये छक्का बहुत ऊंचा। बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं यहाँ पर गुलशन भाई। 13 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 113 रन। 14 रन आए थे इस ओवर में और अब देखना होगा अंतिम दो ओवर में कितना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर पाते हैं रितिका प्रॉपर्टीज के दोनों ही प्लेयर प्रधान और गुलशन भाई। राजा अगला ओवर लेके बहुत अच्छा शॉट, देखना होगा केवल एक रन मिलेंगे। अगली बॉल और माना चाहते थे डायरेक्ट बॉल और मिस फील्ड हुई, यहाँ पर रन मिलेगा केवल एक। राजा वर्सेस प्रधान और लेग साइड में मारने की कोशिश फील्डर बॉल के नीचे, केवल एक रन मिलेगा। बड़े हिट नहीं लग पा रहे हैं प्रधान के बल्ले से। अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट कवर्स में पर फील्डर मौजूद, रन मिलेगा केवल एक। जुनेद ने कलेक्ट की बॉल, अच्छी बॉलिंग करते हुए राजा अभी तक 4 सिंगल खर्च किए हैं डेथ ओवर में। 4 गेंदें 4 रन। अगली बॉल बहुत तगड़ा छक्का भाई, तगड़ा शॉट प्रधान के बल्ले से निकलता हुआ। काफी देर से खामोश था इनका बल्ला और मार दिया मिड विकेट के ऊपर से सीधा 6 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ प्रधान फ्रॉम हरिद्वार। आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत अच्छा शॉट पर फील्डर मौजूद, रन मिलेगा केवल एक। 11 रन आए इस ओवर में, स्कोर जा पहुंचा 124 रन। और मोहित आखिरी ओवर लेके फर्स्ट इनिंग का बैटिंग पे प्रधान, 124 रन का स्कोर है, देखते हैं कितना पहुंचा पाते हैं इस ओवर में। बहुत तगड़ी बॉल भाई, डॉट बॉल, कोई संपर्क नहीं बैटर बॉल का। अगली बॉल गुड लेंथ की, काफी अच्छी बॉल करी थी, बहुत तगड़ा छक्का भाई, डायरेक्ट बॉल थी प्रधान, लंबे लंबे छक्के मारते हुए इस मैच में। तगड़ी बैटिंग करता हुआ भाई प्रधान, कम से कम 50 रन भी पूरे हो चुके हैं यहाँ पर प्रधान के, 5 से 6 छक्के लगा चुके हैं इस मैच में प्रधान। अगली बॉल हेलीकॉप्टर माना चाहते थे, मिनी हेलीकॉप्टर, रन मिलेगा केवल एक। और अब बैटिंग पे गुलशन भाई, गुलशन भाई बैटिंग पे और हवा में के फिल्टर बॉल के नीचे धूप लगती हुई, देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया यहाँ पे फील्डर ने धूप के नीचे आउट होते हुए गुलशन भाई। और अब बैटिंग पे आते हुए यशपाल प्रधान, 2 गेंदे शेष इस ओवर की, फिर से हवा में गेंद फील्डर बॉल के नीचे और ये आउट। प्रधान आउट हुए अपनी अर्धशतक पूरा करके, आखिरी गेंद इस ओवर की शेष। अच्छी बॉलिंग करते हुए इस ओवर में मोहित और माना चाहते थे लेग साइड में यशपाल, 2 रन चुराने की कोशिश, देखना होगा। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और सेकंड इनिंग स्टार्ट होती भी 133 रनों का टारगेट। बैटिंग पे राजा, पहला ओवर लेके हिमांशु भाई बिना जली हुई बॉल, 15 ओवर का ही मैच। और माना चाहते थे लेग साइड में पहली बॉल डॉट बॉल। अगली बॉल मारना चाहते थे डॉट बॉल, काफी जल्दबाजी कर रहे हैं इस ग्राउंड में बिना जली बॉल से, कंटिन्यू हिट मारना काफी मुश्किल। अगली बॉल और ये फिर से रिवर्स, 3 बॉलों पर 3 चीजें ट्राई कर चुके हैं यहाँ पर राजा फ्रॉम मुरादाबाद और अभी तक किसी भी चीज में कामयाब नहीं हुए। अगली बॉल बहुत अच्छा डिफेंस, अगेन डॉट बॉल। अगली बॉल और रिवर्स स्वीप, सॉरी स्वीप शॉट मारा था और सीधे मिले 4 रन। 5वीं गेंद पर आता हुआ राजा के बल्ले से पहला चौका। अगली बॉल और ये हवा में गेंद, देखना होगा रन मिलते हुए अभी तक 2 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 6 रन।
अगला ओवर लेके गौरव बैटिंग पर रजी फ्रॉम मुरादाबाद, मारना चाहते थे अभी पहली गेंद पर, बॉल हुई डॉट। अगली बॉल गौरव की और भाई फील्डर बॉल के नीचे, और ये आसान कैच क्लियर नहीं कर पाए बाउंड्री, यशपाल का अच्छा कैच, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर ग्राम पंचायत बुड्ढी को रजी के रूप में। अगली बॉल करेंगे गौरव और नए बैट्समैन आए हैं मुरादाबाद से आदित्य बैटिंग पे, और बहुत अच्छा शॉट फील्डर बॉल के नीचे, मोंटो बॉल के नीचे, और कैच ड्रॉप हो गया यहाँ पर, काफी आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया यहाँ पर मोंटो ने, वरना एक और झटका लग सकता था अगली बॉल पर। अगली बॉल गौरव की बैटिंग पर राजा, बहुत अच्छा डिफेंस, थोड़े जज्बाती प्लेयर है ये राजा, हर बॉल पर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और मार दिया पावर प्ले के ऊपर से, देखना होगा कितने रन मिलते हैं, रन मिलेंगे चार, रिवर्स का चौका निकलता है राजा के बल्ले से। अगली बॉल फिर से अच्छा शॉट और बहुत अच्छा चौका मिलता हुआ, अच्छी बैटिंग करते हुए यहाँ पर राजा, और दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा 17 रन, लॉस ऑफ वन विकेट। अगला ओवर लेके तीसरा ओवर लेके शिब्बू, बहुत अच्छे गेंदबाज लेफ्ट आर्म, रन मिलेगा केवल एक, बहुत लोग कह रहे थे कि शिब्बू की वीडियो डालो, गाइस देख सकते हो आप इस वीडियो में शिब्बू की बॉलिंग को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करो। और अब बैटिंग पे राजा फ्रॉम मुरादाबाद, बहुत बड़ा नाम मुरादाबाद का, सामना करेंगे शिब्बू का, बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ पर अंकित की, डॉट बॉल। अगली बॉल और बोल्ड कर दिया रिवर्स का, शिब्बू ने डिप कराई थी बॉल, और बहुत बड़ा झटका राजा के रूप में लगता हुआ। और अब रजा के आउट होने के बाद बैटिंग करने आए जुनेद, फील्डिंग सेट होती हुई उनकी लेफ्टी बल्लेबाज, बॉलिंग पे शिब्बू जो कि तगड़ी गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक, बहुत तगड़ी बॉल डॉट बॉल। अगली बॉल अच्छी गेंदबाजी करते हुए शिब्बू फिर से मारना चाहते थे, और ये वाइड बॉल, प्रधान अच्छी कीपिंग करते हुए। अगली बॉल मारना चाहते, और ये एक और झटका लगता हुआ काफी तेज, आवाज तो आई थी अब पता नहीं किस चीज की, एम्पायर दोनों ही डिसीजन पेंडिंग में रखा हुआ, और वो ग्रिप की आवाज थी, मना किया दोनों ही एम्पायरों ने। अगली बॉल शिबू की फिर से, और फिर से हवा में गेंद हिमांशु आई बॉल के नीचे, और एक झटका लगता हुआ अगली गेंद पर, दो सफलता इस ओवर में शिबू ने, 3 से 4 विकेट आउट हो चुके हैं। अगला ओवर लेके गौरव, आदि का अच्छा डिफेंस, फंबल सा हुआ था, और रन मिलेगा केवल एक। और बैटिंग पे आए जुनैद, बहुत अच्छी शॉट, भागते हुए दोनों ही फील्डर बॉल के नीचे, और देखना होगा रन मिले चार, अच्छी शॉट ऑफ साइड में। अगली बॉल बहुत अच्छा डिफेंस यहाँ पर, उतनी अच्छी फील्डिंग गुलशन भाई की, रन मिलेगा केवल एक। अगली बॉल मारना चाहते थे फिर से, और जाता हुआ ये, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर हिमांशु आई की, केवल 2 रन मिलेंगे, चौका जा रहा था, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट लेग साइड में मोंटो बॉल के नीचे, अच्छी फील्डिंग, रन मिलेगा केवल एक, अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहां पर। जुनैद बैटिंग पे, और ये डॉट बॉल, इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर अब समाप्त हुए, 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 26 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पहली गेंद 5 ओवर की, अगली बॉल लेके गुलशन भाई, पहली बॉल काफी छोटी बॉल, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं, और रन मिलेंगे 4, 5 और लेके गुलशन भाई, पावर प्ले खुल चुका है,
और ये वाइड बॉल लेफ्ट साइड पर दिस गेंदबाज गुलशन अगली बॉल लेफ्ट साइड पर से हल्के हाथों से खेल दिया है जब रन मिलेगा केवल एक रन आसानी से अगली बॉल जुनैद बैटिंग पर मार दिया लेग साइड में देखना होगा कितने रन मिलते हैं फिल्डर बॉल के नीचे और ये जिस वजह से आसानी से और ये ओवर थ्रो कर और एक मिस थ्रो की वजह से चार रन मिलेंगे यहाँ पर बल्लेबाज एक पांच रन मिलेंगे इस बॉल पे अगली बॉल फिर से डिफेंस केवल एक रन मिलेगा अगली बॉल और यहाँ में गेंद फील्डर बॉल के नीचे और चार रन अगली बॉल आखिरी गेंद इस ओवर की बहुत अच्छी शॉट कट कर दिया इसे हिमांशु भाई बॉल के पीछे और अब बॉल पकड़ते हुए यहाँ पे प्रचंडा रन मिलेंगे दो अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही जुनैद और आदि ओवर की समाप्ति पांच ओवर 44 रन स्पेल की शुरुआत रब बॉल है अनिकेत बैटिंग कर सामना करेंगे आदि प्रधान समझाते हुए अपने फील्डर्स को यहाँ पर अनिकेत पहली बॉल लेके छठे ओवर की बहुत तगड़ी बॉल भाई नया लड़का है नया चेहरा अच्छी बॉल करता हुआ अगली बॉल अनिकेत की सामना करेंगे आदि तीन विकेट आउट हो चुके हैं अभी तक और डायरेक्ट बॉल और इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर अंकित की डॉट बॉल अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट कवर्स का और रन मिलेंगे पूरे चार तगड़ा शॉट कवर ड्राइव आदि के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका अगली बॉल अनिकेत की और ये वाइड बॉल अगली बॉल बहुत अच्छा कट किया अच्छी फील्डिंग वहां पर गुलशन भाई की रन मिलेगा केवल एक तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए अगली बॉल बहुत तेज बॉल भाई डंडे उखाड़ दिए विकेट के पीछे से जुनैद के तगड़ी बॉल अनिकेत की बैटिंग करने आते हुए दीपक सामना करेंगे अनिकेत तगड़ी गेंदबाजी करते हुए और बहुत अच्छी फील्डिंग यहां पर पीयूष भाई की तीन रन बचाए अपनी टीम के लिए और अगला ओवर लेके फिर से शिबू 6 ओवर 51 रन लेग साइड पर खेल दिया आदित्य ने मोंटो बॉल के नीचे रन मिलेगा केवल एक अगली बॉल शिबू की एक बार फिर से बहुत तगड़ी बॉल भाई स्लोअर बॉल कटर मारा था समझ नहीं पाया उसे आदि अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी बॉल के नीचे रन मिलेगा केवल एक अगली बॉल लेफ्ट साइड पर खेलने का प्रयास और ये वाइड बॉल अगली बॉल बहुत अच्छी शॉट और रन मिलेगा केवल एक अगली बॉल बहुत अच्छी स्लोअर बॉल फिर से कटर मारा था समझ नहीं पाया उसे आदि अच्छी तगड़ी बॉल करते हुए यहाँ पे शिबू अगली बॉल बहुत तगड़ी बॉल भाई और वाइड बॉल और टच है यहाँ पर बैट्समैन के इसी के साथ ओवर की समाप्ति 7 ओवर 56 रन और अब बॉलिंग करने फिर से अनिकेत बहुत अच्छा शॉट और ये गुलशन भाई और ये चार रन मिसफील्ड का चौका मिला अगली बॉल अनिकेत की ऑफ साइड पर उसे खेल दिया है खिलाड़ी वहां पर मौजूद बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर अंकित की दो रन चुराने की कोशिश और दो रन चुरा लिए यहां पर दोनों ही फील्डरों ने अगली बॉल पैडल स्वीप करना चाहते थे पर बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं अगली बॉल
और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर अनिकेत अभी तक रन मिला है केवल एक। अगली बॉल बहुत तगड़ी बॉल भाई, तगड़ी बॉल करता हुआ यहाँ पे अनिकेत, बहुत अच्छी बॉल। अगली बॉल और ये वाइड बॉल, अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट अंकित बॉल के नीचे और रन मिलेगा केवल एक। 8 ओवर की समाप्ति पे 64 रन, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और अब बॉलिंग करना है पीयूष भाई, लेफ्टी बॉलर है। और बहुत अच्छा शॉट भाई, 6 रन, तगड़ी शॉट भाई, पहली बॉल पे पीयूष भाई के छक्का मार दिया। अगली बॉल फील्डर अनिकेत बॉल के नीचे, रन मिलेगा एक। अगली बॉल और ये वाइड बॉल, अगली बॉल और ये अंकित बॉल के नीचे और आउट कर दिया यहाँ पर। आसान कैच, क्लियर नहीं कर पाए बाउंड्री। और अब बैटिंग करने आए सहबाज, लेफ्टी बैट्समैन है पीयूष भाई बॉलिंग पे, जिन्होंने एक सफलता हासिल करी थी अभी तक। और फिर से हवा में गेंद, गुलशन भाई बॉल के नीचे और आसान कैच पकड़ लिया यहाँ पे गुलशन भाई ने। पीयूष भाई को मिलती भी दूसरी सफलता, 2 झटके दे चुके हैं। अगले बैट्समैन आधी काफ़ी देर से क्रीज पर डटे हुए हैं। अगली बॉल पीयूष भाई की और बहुत अच्छा शॉट, मिलेंगे रन 4। अच्छी बैटिंग करता हुआ यहाँ पे आधी। अगली बॉल लास्ट बॉल पीयूष भाई की और ये डॉट बॉल, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। अगला ओवर लेके अंकित लेग कटर मारते हैं, रन मिलेगा केवल एक। अगली बॉल बहुत अच्छी बॉल, लेग स्पिन करी थी, डॉट बॉल। अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट, आधी के बल्ले से निकलता हुआ छक्का, तगड़ा शॉट भाई। अगली बॉल बहुत तगड़ी बॉल भाई, लेग स्पिन होती है, अगली बॉल फिर से मारना चाहते थे लेग साइड में और अंकित, और कैच ड्रॉप हो गया यहाँ पर अनिकेत से, आसान कैच था, ड्रॉप कर दिया उसे। और मिस फील्ड का देखना होगा, एक रन मिस फील्ड का, बहुत ही शॉर्ट ऑफ साइड की, रन मिलेगा केवल एक। अगली बॉल बहुत अच्छा शॉट, फील्डर और छक्का बचाया मोंटो ने, रन मिला केवल एक। बहुत अच्छी बॉल शिबू की, उतनी अच्छी फील्डिंग। अगली बॉल बहुत अच्छी बॉल, डॉट बॉल, अभी तक तगड़ी बॉल करता हुआ अनिकेत, डॉट बॉल थी इससे पहले, रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बहुत अच्छा शॉट कवर्स में और 4 रन यहाँ पे मिस फील्ड के, ओवर की समाप्ति। 4 ओवर में 37 रनों की ज़रूरत बुड्ढी कोई ग्राम पंचायत कोई मैच जीतने के लिए। और हवा में गेंद, देखना होगा, 6 रन और 7 में नो बॉल, बिना गेंद के 7 रन आ चुके हैं और ये मैच फंसता हुआ धीरे धीरे। रितिका प्रॉपर्टीज़ इस मैच में फेवरेट थी और अब पीछे हटती हुई, देखते हैं कहां तक जाता है मैच, कौन जीतता है मैच।
और ये फ्री हिट बॉल अंकित बॉलिंग पे, और बहुत अच्छी बॉल, डॉट बॉल, लेग कटर कंटिन्यू करते हुए अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट मिड विकेट के पास, और ये चार रन, एक और बाउंड्री आती हुई, तगड़ी बैटिंग करता हुआ यहाँ पर आदि, ऑलराउंडर प्रदर्शन, अभी तक अकेले खड़ा है, वन डाउन आया था, अगली बॉल, बहुत तगड़ा शॉट भाई हवा में गेंद, और ये छह रन, बहुत महंगा ओवर साबित होता हुआ लग चुकी है इस मैच में ग्राम पंचायत बुड्ढी। अगली बॉल फिर से मारना चाहते थे, डॉट बॉल, अगली बॉल फिर से हवा में गेंद, फील्डर बॉल के नीचे, प्रधान ने पकड़ा कैच और बड़ी सफलता हाथ लगती हुई, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अगली बॉल, बहुत तगड़ा छक्का भाई लेग साइड का, तगड़ा शॉट, कम से कम 23 से 24 रन आए इस ओवर में, और ये 18 गेंदों पर 14 रनों की जरूरत अब इस मैच को जीतने के लिए, और ये डॉट बॉल, अगली बॉल, अगेन डॉट बॉल, शिब्बू बहुत तगड़ी गेंदबाजी करके गए इस मैच में, और अंकित जो कि स्लिप में लगे हैं, काफी महंगा ओवर साबित हुआ था इनका लास्ट ओवर, 23-24 रन खर्च किए थे अपने ओवर में। अगली बॉल, बहुत अच्छा शॉट भाई, कवर्स का छक्का, तगड़ी बैटिंग भाई, बहुत तगड़ा शॉट, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर मुरादाबाद के प्लेयर, और अगर ये वीडियो देख रहे हैं मुरादाबाद के प्लेयर और आपको इन सब की बैटिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल। पहला छक्का आता शिब्बू के, उसमें बहुत अच्छा डिफेंस, फिर से कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, 3 विकेट शेष है बस। अगली बॉल भाई, तगड़ा कैच पकड़ लिया वहां पर प्रचंडा और मोंटो ने, फिर से ट्विस्ट आता हुआ इस मैच में, और नया बैट्समैन आता हुआ बैटिंग करने, यहाँ केवल सिंगल डबल की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। शिब्बू एक और विकेट हासिल की उन्होंने अभी तक। अगली बॉल और बैट पर लगकर जाती हुई गेंद, देखना होगा कितने रन मिलते हैं इस बॉल पर, और ये 4 रन, और थर्ड मैन का चौका आता हुआ, और अब बॉल 4 रनों की जरूरत, बॉलिंग करना है प्रधान, डॉट बॉल, अगली बॉल, अगली बॉल लेके फिर से प्रधान, फिर से डिफेंस बॉल पे, 2 विकेट बची बस, और ये फिर से डिफेंस, अब एक लड़का था उनका अंकित, वो 24 रन था, डॉट बॉल, और ये आउट करने का मौका, और एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर, और देखना होगा दोनों एम्पायर क्या डिसीजन देते हैं, और डिसीजन पेंडिंग अभी भी, और ये आउट, और मैच में एक और ट्विस्ट, और अब 4 रनों की जरूरत, देखना होगा क्या होता है लास्ट विकेट पे, और 5 रनों की जरूरत, सॉरी लास्ट विकेट, ओ, और ये अपील करते हुए सारे फील्डर और बॉलर, डिसीजन पेंडिंग, और वाइड करार दिया उसे एम्पायर ने, अगली बॉल लेके फिर से प्रधान, बहुत अच्छा डिफेंस, और केवल 1 रन खर्च किया इस ओवर में, और 1 विकेट लिया, और लास्ट ओवर इस इनिंग का 4 रनों की जरूरत मैच जीतने के लिए, 6 गेंदों पर 4 रन, और अंतिम विकेट से इस ग्राम पंचायत बुड्ढी का, देखते हैं क्या होता है इस ओवर में, रितिका प्रॉपर्टीज रोक पाती है नहीं, अंतिम ओवर लेके अंकित, और ये अपील होती हुई पर डॉट बॉल, पैरों पर लगकर गई थी गेंद, और अगली बॉल देखते हैं क्या होता है, फिर से मारने की कोशिश और डॉट बॉल, और अगली बॉल अंकित की, 4 गेंदे 4 रन, अंतिम विकेट शेष, और बहुत लंबा छक्का मार दिया भाई, और लंगा मार के मैच जिता दिया यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर जोश में आते हुए एक मुरादाबाद के प्लेयर्स, अंतिम विकेट तक ये मैच गया।